प्यारी सास संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सास संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सास संगत जी, ऐसे ही सवाल जवाब हो रहे थे तो एक सत्संगी उठता है और बाबा जी से पूछता है, बाबा जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं, कहो बेटा क्या कहना है। वो कहता है, बाबा जी मैं एक दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ पूरे दिन। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मेरे दिन साथ रहकर तुम क्या करोगे। वो कहता है, बाबा जी मैं देखना चाहता हूँ कि आप बाबा जी हैं और आपका कैसे पूरा दिन निकलता है, आप मुझे अपने साथ रखोगे। बाबा जी कहते हैं, ठीक है तुम ऐसा करना, कल आ जाना और पूरा दिन मेरे साथ रहना। वो खुशी खुशी घर जाता है और सबको बताता है। अगले दिन वह सुबह 6 बजे आ जाता है और जब वह आता है तो देखता है कि तो बाबा जी तो सैर पर गए हैं। तो वो कहता है, बाबा जी आप कहाँ गए थे। बाबा जी कहते हैं कि मैं डेरा ब्यास में हूँ तो अपनी संगत को देखने गया था। वो खुश हो जाता है। उसके बाद वह देखता है तो बाबा जी कहते हैं कि चलो आओ खाना खाएं। वो कहता है, ठीक है बाबा जी, और बाबा जी वह मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद बाबा जी जो है पूरे दिन के काम निपटाते हैं और भजन सिमरन पर बैठ जाते हैं। और बाबा जी कहते हैं कि तुम मेरे साथ पूरा दिन बिता रहे हो तो तुम्हें मेरे साथ भजन सिमरन पर भी बैठना पड़ेगा। वो कहता है कि बाबा जी ठीक है मैं बैठ जाता हूँ। और उसके बाद वह दोबारा बाबा जी उठकर अपना काम करने लग पड़ते हैं और जब भी बाबा जी कहीं पर जाते हैं उसको ले कर जाते हैं और दोपहर आकर फिर बाबा जी सिमरन पर बैठ जाते हैं। और जब भी बाबा जी को फ्री टाइम मिलता है वह सिमरन पर बैठ जाते हैं। ये देखकर वह सत्संगी बड़ा हैरान होता है कि बाबा जी आप तो बाबा जी हैं, आपको इतना भजन सिमरन करने की क्यों ज़रूरत है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैंने भी तो किसी से नाम दान लिया है, मैंने भी तो मुक्ति चाहनी चाहता हूँ तो मुझे भी तो सिमरन करना पड़ेगा। वो कहता है, बाबा जी आप धन्य हैं, आप सारी दिहाड़ी कोई ना कोई काम करते रहते हैं और आप थकते भी नहीं, आराम भी नहीं करते और जब भी आपको टाइम मिलता है आप सिमरन पर बैठ जाते हैं। उसके बाद शाम हो जाती है और फिर बाबा जी काम निपटाने लग पड़ते हैं और फिर बाबा जी रात को सिमरन पर बैठ जाते हैं। और बाबा जी से कहते हैं, आज रात तुम मेरे साथ रुको, देखो मैं क्या करता हूँ। और वह देखता है और बाबा जी सिमरन पर बैठे होते हैं और सिमरन पर बैठे बैठे वह सत्संगी सो जाता है। जब उसकी रात को 3 बजे आँख खुलती है तो देखता है बाबा जी अभी भी सिमरन पर बैठे हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है और देखता है बाबा जी सिमरन पर बैठे हैं और सिमरन पर उठकर वह सैर पर चले जाते हैं। तब बाबा जी से वह कहता है, बाबा जी आप ना ही सारी रात सोते हैं और ना ही दिन में आराम करते हैं। बाबा जी कहते हैं कि मेरे सर पर अपने सत्संगियों की जिम्मेवारी है तो मैं कैसे सो सकता हूँ। और वह सत्संगी रोने लग पड़ता है। सास संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सभी सास संगत जी का प्यार भरी राधा स्वामी।